हाँ जी बेटा, मेरे पास हो गए। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 25। लिमिट एक्स अप्रोचेज जीरो, एफ ऑफ एक्स मुझे कैलकुलेट करना है, एंड एफ ऑफ एक्स इज गिवन टू मी मॉड एक्स बाय एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। अभी तक कल जितने क्वेश्चंस किए ना, अगर याद हो, यहाँ लेस देन ग्रेटर देन होता था कि नहीं? यहाँ नहीं है, तो दैट मींस यहाँ मॉड आ गया। आपको मॉड की डेफिनेशन याद है? मैंने आपको मॉड की ये डेफिनेशन बोली हुई है कि दिस इज एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड दिस इज माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। यानी अब हम खुद केसेस बनाएंगे, ओके? खुद क्या करेंगे युवराज, पे अटेंशन हियर। हाँ जी, क्यों? पॉजिटिव भी तो हो सकता है। अगर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, जीरो नहीं होना चाहिए, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो हमें दोनों केसेस लेने पड़ेंगे। यानी ऐसे केसेस में वी हैव टू अगेन कन्वर्ट द फंक्शन। इसमें क्या लिखेंगे हम? एक्स ग्रेटर देन जीरो, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो गए तो इन प्लेस ऑफ मॉड एक्स हम क्या लिखेंगे? एक्स, और नीचे एक्स ही रहे, ओके? व्हेन एक्स लेस देन जीरो माइनस एक्स बाय एक्स, और एक्स इक्वल टू जीरो, वो जीरो। यही तीन चीजें होती है ना। आप कटिंग यहां पर भी कर सकते हो, वन माइनस वन ये तो जीरो है, आप यहीं पे सॉल्व कर सकते हो। अब लिमिट देखनी है ना, किस पे? जीरो पे। तो दैट मींस हम लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो नेगेटिव। अब मुझे बताइए, जीरो नेगेटिव पे फंक्शन कौन सा आएगा? एक सेकेंड, लास्ट में श्रेया, जीरो नेगेटिव पे फंक्शन कौन सा आएगा बेटा? सेकेंड वाला क्या है उसका? माइनस वन। तो यू राइट हियर माइनस वन, ओके? तो बेटा माइनस वन कॉन्स्टेंट है ना, कॉन्स्टेंट की लिमिट कॉन्स्टेंट ही रहती है, सेम एक्स है ही नहीं बेटा। जीरो माइनस का मतलब मैंने कल भी बताया था, ये एक जीरो पॉइंट है, ठीक है? जीरो से कम वाली वैल्यूज उसको रिप्रेजेंट करते हैं जीरो नेगेटिव से। जीरो से ज्यादा, थोड़ी सी ज्यादा, उसको रिप्रेजेंट करते हैं जीरो पॉजिटिव से। ये आपको समझाने के लिए बता रही। जीरो नेगेटिव का मतलब मैंने आगे भी बताया था कि मान लीजिए मेरे पास जो है माइनस पॉइंट जीरो नाइन 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 या पॉइंट जीरो 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 कुछ भी, वन नाइन कुछ भी हो जाए, मतलब जीरो से थोड़ी सी कम कर दी। अब वो कम कर दी, वो किससे रिप्रेजेंट होता है? नेगेटिव से। जीरो से थोड़ी सी ज्यादा, पॉइंट जीरो 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 वन, पॉइंट जीरो 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 नाइन भी हो सकता है। जीरो से थोड़ी सी ज्यादा, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? प्लस। ऊपर आगे जो प्लस माइनस होता है वो पूरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ओके जी? समझ आई मेरी बात? तो अब मेरे पास ये आ गया राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो पॉजिटिव। जीरो पॉजिटिव के लिए यशिका बेटा कौन सा फंक्शन लेंगे? पहला मत बोला करो, फंक्शन की वैल्यू बोला करो। वन, वेरी गुड, ठीक है? तो आंसर इज वन, क्लियर कट है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयर फोर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। पुलकित, यू हैव टू राइट बेटा, लिखना है। हाँ जी, 10th का क्या कल? हाँ, इससे यहां से, क्योंकि फंक्शन चेंज हो रहा है। मैं बार बार आपको ये बात बता रही हूं, हम लेफ्ट राइट कब लेते हैं? जब फंक्शन चेंज होता है। मैंने कल भी आपको बताया था ना कि एक शॉप पे आप जाते हो, है ना, वहां उसको कह रहे हो कि भैया मेरी पॉकेट में 1000 रुपीज है, मेरे को कोई चीज दिखाओ। वो थोड़ी सी कम वाली भी दिखा सकते हैं, थोड़ी सी ज्यादा वाली भी बता सकता है। हमने तो उतना ही लेना है ना, 1000 तक ही लेना है। अब वो बार्गेनिंग कर लेगा, अगर 1050 रुपीज की कोई चीज है, अगर वो 50 की बार्गेनिंग कर रहा है तो आप बाय कर लोगे। अल्टीमेटली तो एम 1000 का ही है ना। अगर कम का कर रहा है तो आप कम वाली ले लोगे, बाकी पैसे बच जाएंगे, डजंट मैटर।
आना तो उसी लिमिट के बीच में चाहिए, सेम है। अगर कोई फंक्शन लेफ्ट और राइट पे चेंज होने पे हो रहा है तभी हम लेफ्ट और राइट लिमिट अलग अलग निकालते हैं, बट अप्रोच तो सेम वैल्यू को करना चाहिए। अगर लेफ्ट से अलग आ रहा है राइट से अलग आ रहा है तो आप कहते हो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सेम आपने एक देखी वैल्यू 1000 की चीज लेनी थी, 1500 की देखी, आप नहीं कहोगे नहीं लोगे। उधर से 1000 की लेनी थी, आपने एक टारगेट रखा होता है कि अच्छा मैंने अपने फ्रेंड को गिफ्ट देना है तो 500 का देना। अगर कोई 300 में मिल रहा है आप नहीं लोगे, आपको होता है कि अच्छा नहीं लगेगा, चाहे उस बंदे को वो अच्छा लगे, बट आपके दिमाग में एक साइकोलॉजी सबके सेट होती है, नहीं यार उसने मेरे बर्थडे पे इतना किया था तो मैं उसको कम से कम, अगर 500 का टारगेट था 540 तक वाला तो दोगे, 50 तक वाला तो दोगे। ये होता है ना हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी में, सेम इज हियर। समझ आ गई बेटा, क्लियर? अब पता चला क्यों लेना है लेफ्ट राइट लिमिट्स का। हाँ जी है ही। ओके जी, एक सेकेंड, नहीं तब नहीं लेते। अगर यही क्वेश्चन मैं कहती बेटा कि x अप्रोचेस 1, f ऑफ x निकालो, अब 1 को अप्रोच करना है, 1 से थोड़ी सी कम वैल्यू, 1 से, युवराज बेटा इधर देखो, 1 से थोड़ी सी कम, वो 0 से कम थोड़ा हो जाएगी, उस पे फंक्शन एक ही रहेगा, तब लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं है। आप खुद सोचो ना, ये 0 है ये 1 है, 1 से थोड़ी सी छोटी या 1 से थोड़ी सी ज्यादा पे फंक्शन तो क्या रह रहा है, 1 ही रह रहा है ना, तो उस पे लेफ्ट राइट थोड़ा देखूंगे मैं। फंक्शन चेंज हो रहा है तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट हम अलग अलग लेते हैं, अगर फंक्शन चेंज नहीं हो रहा हम एक ही लिमिट निकालते। ओके जी, आप ले भी लेते ना लेफ्ट निकालते तब भी आंसर क्या आना था 1, राइट पे लेते तब भी क्या आना था 1, अपने आप एग्जिस्ट सेम ही करते। तो इसीलिए हम एक लेमैन की लैंग्वेज में बताते हैं, जिस पॉइंट पे लिमिट चेक कर रहे हो अगर उसके थोड़ी सी कम थोड़ी सी ज्यादा पे फंक्शन चेंज हो रहा है, यहां चेंज हो रहा था 0 पे, हो रहा है ना, तो इसीलिए मैंने लेफ्ट और राइट अलग अलग निकाला। 1 पे देखने पे कोई फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, 1 पे यही वाला फंक्शन चल रहा है तो मैं यही लूंगा। अब मैंने -1 पे अगर देखना होता फंक्शन क्या रहना था ये, या -2 पे तब भी यही रहना था, -3 पे तब भी फंक्शन तो एक ही रहना, तो लिमिट चेंज नहीं हो, फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, सॉरी, तो दैट मींस हम एक ही लिमिट निकाल लें। हाँ, उसने कहा कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन यही रहना है x बाय x। अगर वो कहता कि x की वैल्यू, आप खुद सोचो ना, उसने कहा x की वैल्यू, मान लो मैंने लिमिट चेक करनी है x अप्रोचेस -7 पे f ऑफ x, मुझे पता है 0 से कम पे यहां -7 इसी में आएगा ना, ना इसमें आ रही है ना इसमें आ रही है x की वैल्यू, तो फंक्शन तो यही लूंगी ना बेटा। हाँ जी, ओके, क्लियर। क्योंकि 0 पे लिमिट देख रहे हैं तो 0 पे फंक्शन चेंज हो रहा है, इसीलिए मुझे केसेस बनाना ही पड़ेंगे। ओके, समझ आई बेटा बात सबको? चलिए नेक्स्ट पे चलिए जरा, लेट अस सी द नेक्स्ट। अब आप खुद देखिए लिमिट, क्वेश्चन 26, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, हाँ जी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स निकालना, काव्या 26 रोल नंबर। हाँ जी बेटा, कैसे करेंगे, क्या करें, मुझे कैलकुलेट करना है लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 एफ ऑफ एक्स, बनाते हैं। चलिए बोलिए बेटा क्या केसेस बनेंगे, एक सेकेंड। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड, एक्स ओवर माइनस एक्स ना, चलो चाहे माइनस ऊपर भी ले जाओ, पर अल्टीमेटली मॉड को चेंज कर रहे हैं, क्यों,
क्योंकि मॉड ऐसा फंक्शन है जो जीरो पे अपनी नेचर को क्या करता है, चेंज करता है बेटा, दैट्स व्हाई। ओके, अदरवाइज मुझे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ आ गई बेटा? तो अब मेरे पास जो है व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, और एक्स इज इक्वल टू जीरो जब ये जीरो है। ओके बेटा, तो अब मेरे पास जो है नेक्स्ट, विट्टी बेटा बताओ कैसे स्टार्ट करें, कैसे लिखना, कैसे बेटा? क्यों बेटा, आपको पता है ग्रेटर देन पे फंक्शन ये है, लेस देन पे ये है, तो बेटा मैं लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट लिखूंगी ना, तो फिर बोलो ना बेटा ऐसे कि मैम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले लीजिए या राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो नेगेटिव। मैं बार बार कह रही हूं मैथ्स बोलना नहीं आता ना तो लिखना मुश्किल हो जाए, पहले बोलना सीखो, है ना। आपके माइंड में एक ही क्वेश्चन होना चाहिए कि मैम लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट निकालो, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए जीरो नेगेटिव, जीरो नेगेटिव पे फंक्शन कौन सा है, माइनस वन। यू पुट हियर आंसर इज माइनस वन, राइट हैंड लिमिट, वेरी गुड, क्या है मेरे पास, वन, आंसर इज वन। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयर फोर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सेम, बट यहां मॉड क्या है, नीचे है, बस बिल्कुल सेम है। ओके जी, क्लियर बेटा? थर्ड में अभी ये थर्ड यूज नहीं होगा, ये थर्ड वाला पता कब यूज होता है, जब हम प्लस टू में कॉन्टिन्यूटी करते हैं। कहां यूज हुआ जीरो? हाँ, नहीं यूज किया हमने जीरो पे जीरो, ठीक है ना, वो कॉन्टिन्यूटी हम करेंगे, ये लिमिट खत्म हो जाए देन वी विल डू कॉन्टिन्यूटी, साथ ही कर लेनी हमने, हाँ अभी कर लेते होते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खुद ट्राई करो जरा। देखिए लिमिट x अप्रोचेस 5 f ऑफ x, क्वेश्चन 27, ये तो बच्चों जैसे क्वेश्चंस हैं लिमिट्स, अभी हम करेंगे अच्छे वाले क्वेश्चन। f ऑफ x इज मॉड x माइनस 5, ओके आप माइनस एक्स माइनस फाइव व्हेन एक्स लेस देन जीरो, ओके फिर ओके, और जीरो पे देखना है तो माइनस फाइव, जरूरत नहीं है उस पे, ठीक है, श्रेया ने बिल्कुल सही बताया। आगे क्या करें फिर, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालने, अरे पुत्र जी देखो हमने लिमिट किस पे निकालनी, अरे फाइव पे तो वो नेचर चेंज ही नहीं कर रहा, किस पे चेंज कर रहा है, तो क्या लेफ्ट और राइट निकालने की जरूरत है फिर क्यों? अगर ये जीरो पे होता ना बेटा, देन आई विल टेक दिस, है ना, सिंस इट इज एट फाइव एंड इट इज नॉट चेंजिंग इट्स नेचर, मुझे पता है x ग्रेटर देन जीरो पे ये फाइव वाला आ रहा है, मेरा फंक्शन एक ही रहना, यानी क्लियर कट। मुझे ये ही चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस फाइव, अब क्लियर कट वो फंक्शन लिख दो एक्स माइनस फाइव, अब लिमिट सॉल्व करो, फाइव माइनस फाइव जीरो, कोई लेफ्ट राइट नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, बिकॉज फंक्शन इज नॉट चेंजिंग इट्स नेचर, नेचर का मतलब जीरो है ये, है ना, यहां पर जीरो के आगे फंक्शन मेरा है एक्स माइनस फाइव, है ना, यहां पर फंक्शन क्या है माइनस, यानी जीरो से इधर फंक्शन ये है, जीरो से आगे फंक्शन ये है, ये नेचर फंक्शन की चेंज होगी ना, फंक्शन चेंज हो गया ना, तो मैं वर्ड बोल देती हूँ नेचर चेंज होगी, जीरो के इधर जितनी आगे वैल्यू जाएंगी, फंक्शन ये लेना मैंने, एम आई राइट, जीरो से कम पे फंक्शन ये लेना है कि नहीं है, फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, जीरो के इधर चेंज नहीं है, जीरो के आगे चेंज नहीं है, है ना, तो दैट्स व्हाई मैं कह रही हूं, मैं ये बोलती हूँ कि नेचर चेंज हो रही है उसकी, फंक्शन चेंज हो रहा,
आपको समझाने के लिए ये वर्ड यूज करती हूँ, मैथमेटिकली इसका कोई मीनिंग नहीं, सिर्फ आपको बताने। अगर मैंने लेना फाइव पे, फाइव कहाँ आएगा, इधर आएगा ना कहीं, वन टू थ्री, उस सब पे फंक्शन क्या रहना है, चेंज तो नहीं हो रहा, फाइव पॉइंट पे नहीं हो रहा ना, ये कहने का मतलब है। तो दैट्स व्हाई जहां यहाँ कहीं फाइव होगा भी तो फाइव के इधर भी, फाइव के इधर भी फंक्शन रिमेन्स सेम, एक्स माइनस फाइव। दैट्स व्हाई मुझे लेफ्ट राइट कोई निकालने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो यहाँ पर फंक्शन दिया होता, यहाँ फाइव होता, यहाँ पर भी फाइव होता, फिर मैं लेती लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। अब बात समझ आई सबको? हाँ, अगर यहाँ पर मान लो जीरो होता तब भी मैं लेती, तब तो अपने आप ही आ जाना। जिस पे वो नेचर चेंज कर रहा है किस, उसे मैं बताऊं मैथमेटिकली कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। मैं बार बार ये वर्ड क्यों नहीं यूज करती हूँ, क्योंकि प्लस टू में यूज होता है। ये क्रिटिकल पॉइंट है जीरो, इसके लेफ्ट पे फंक्शन और है, इसके राइट पे फंक्शन और है। अब वो पता चल गया क्रिटिकल पॉइंट जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे पीसी ने। समझ आ गई बेटा? अब पता चला, बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज यूज कर रही हूं मैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। नॉर्मली बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है, बट यहाँ पर समझोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये हम सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखते हैं, अदरवाइज सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये पॉइंट पे इसके इधर पे फंक्शन और है, इधर पे फंक्शन और है, इसीलिए मैं लेफ्ट राइट यूज करती हूँ। समझ आ गई बेटा? चलू आगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बस नोट खुद जरूर लिखो, जब आप खुद लिखते हो आपके डाउट क्लियर होते हैं, तभी आपको पता चलता है प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है, बोलना कैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं नहीं बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 28, एफ ऑफ एक्स ए प्लस बी एक्स नेक्स्ट 4 b माइनस ए एक्स इफ लिमिट x अप्रोचेज 1 नेगेटिव f ऑफ x शुड बी इक्वल टू 1 नेगेटिव है क्या? ओके जी, f ऑफ 1, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो कंडीशन होती है ना, ये कॉन्टिन्यूटी की होती है। कॉन्टिन्यूटी मीन्स कि अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें फंक्शन का, उसमें कोई ब्रेकेज ना हो। मतलब जैसे मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया, यहां पर कहीं पे वन है, वन पे कोई ब्रेकेज तो नहीं है? स्टेप फंक्शन हमने पढ़ा था, वन पे ब्रेकेज, टू पे ब्रेकेज, थ्री पे ब्रेकेज है, तो दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस फंक्शन। मतलब लेमैन की लैंग्वेज में कॉन्टिन्यूस का मतलब आपको पता ही है। आप कहते हो कोई कॉन्टिन्यूसली बॉडी मूव कर रही है, कोई रुकती नहीं है। मैथ्स में कॉन्टिन्यूटी का मतलब कि एट पर्टिकुलर पॉइंट वो फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा, उसका ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली मूव कर। यहां ब्रेक हो गया, रुक गया, यहां कॉन्टिन्यूस नहीं है। किसी ग्राफ में ऐसे जाके पहले रुका, ऐसे गया, ब्रेक तो नहीं है ना, नहीं है ना, ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी की यही बेसिकली डेफिनेशन होती है कि कोई भी फंक्शन एट x इज इक्वल टू a कॉन्टिन्यूस है, तो तब बेटा लिमिट x अप्रोचेज a f ऑफ x शुड बी इक्वल टू f ऑफ a। इसका मतलब पता क्या, ये क्यों ऐसे करते हैं, मान लो मैं थोड़ा सा बता देती हूं ताकि आपको और समझने में इजी हो गई। ये a पॉइंट है, उसने कहा एफ ऑफ ए की जो वैल्यू है ना वो किसके इक्वल होनी चाहिए, लिमिट के इक्वल। लिमिट का मतलब मैं चाहे लेफ्ट से अप्रोच करूं, चाहे मैं राइट से अप्रोच करूं, यही वैल्यू आनी चाहिए। अगर यहां ब्रेकेज होती, सपोज ग्राफ ऐसे होता, ब्रेकेज होती, ये एक्स इज इक्वल टू ए है, इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए, लेकिन जब वो लेफ्ट से अप्रोच करेगा उसकी वैल्यू ये होगी, राइट से अप्रोच करेगा उसकी वैल्यू ये होगी,
सेम वैल्यू नहीं ना आएगी, तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ये हमने वहां से कंक्लूड किया उसकी डेफिनेशन। ओके, जब हम कराएंगे आपको सारा समझाएंगे, बट यहां मेरा बताना आपको बहुत, इस वर्डिंग की बजाय वो ये भी लिख सकता है, राइट डाउन, इंस्टेड ऑफ दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू वन, फॉर विच कॉन्टिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू वन। मतलब आपको ये ना देके उन्होंने अगर वर्ड कॉन्टिन्यूज लिख दिया तो आपने खुद लिखना है कि सिंस इट इज कॉन्टिन्यूज देयरफॉर लिमिट एक्स अप्रोचेस वन एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ वन। अब इसको सॉल्व करें, इसको भूल जाओ पहले, जब मैंने इसको सॉल्व करना है, अब जब इसको सॉल्व करना है बेटा लिमिट वन पे देखना है, अब मुझे बताओ वन पे नेचर चेंज हो रही है, फिर क्या करें, लेफ्ट और राइट, यानी दिस इंप्लाइज लिमिट एक्स अप्रोचेस वन नेगेटिव शुड बी इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस वन पॉजिटिव, और ये किसके इक्वल है, वन के। यानी कॉन्टिन्यूटी में ये भी कंडीशन लग जाती है, ये भी लग जाती है। ये कब लगती है, जब वो नेचर नहीं चेंज करता किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये कब लगती है, जब वो नेचर चेंज करता। आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो। अब इसको सॉल्व करें, आप अपना दिमाग लगाओ अपने सारे जरा कि तभी मैथमेटिकली चेक कर रहे हैं ना, ये हमें दिया हुआ था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूज है। हाँ, मैंने तो इसको ये गिवन था ना कि दिस इज इक्वल, इसको आगे इसमें कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि लिमिट निकालने के लिए लेफ्ट और राइट में फंक्शन क्या है, अलग अलग है, तो दैट्स व्हाई मैंने लेफ्ट और राइट लिमिट ले ली। अब जब मैंने ली, अब मैं सॉल्व कर रही हूं एक्स नेगेटिव वन नेगेटिव पे, हाँ जी, ए प्लस बी एक्स शुड बी इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस वन पॉजिटिव बी माइनस ए एक्स एंड एफ ऑफ वन। अब यूज हुआ क्या नहीं, वो जो आप कह रहे थे मैम जीरो कहीं यूज ही नहीं होता, मैंने आपको कहा था ना कॉन्टिन्यूटी में यूज होता है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ था तो मुझे यूज ही करना पड़ा, दैट इज इक्वल टू फोर। अब ये लिमिट सॉल्व करो, वन नेगेटिव का तो अब कोई रोल नहीं ना, एक्स की जगह पे वन पुट करो, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए इज इक्वल टू फोर। मार्क दिस फर्स्ट, इसको इसके इक्वल भी लो, इसको इसके इक्वल भी लो, ए प्लस बी इज इक्वल टू फोर माइनस ए प्लस बी इक्वल टू फोर, एडिंग करो, टू बी एट, बी की वैल्यू फोर, ए की कितनी आ जाएगी जीरो, आ गई वैल्यूज। बहुत बार ये पेपर में क्वेश्चन आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू वन, ऐसे क्वेश्चन बनता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू वन। तो आपने स्टार्ट कैसे करना है, मुझे बोला है कॉन्टिन्यूज है, अगर वो कॉन्टिन्यूज है तो ये इक्वल होने चाहिए, या ये, तो आप सीधा ये लिख के उसके बाद आपने बस ये सॉल्व करना और ए और बी की वैल्यू निकलना। ओके जी, समझ आई बात। अच्छा, कई बार ऐसे भी आ जाता है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सच दैट द लिमिट एग्जिस्ट। अब लिमिट एग्जिस्ट का मतलब क्या, मैंने ये नहीं लेना सिर्फ ये, लेफ्ट लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट लिमिट, तो ये फोर नहीं आएगा, फोर नहीं आएगा, बस यहां से बी भी कट गया, वो तो वैसे भी टू ए इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू जीरो, रिलेशन नहीं आया, वैसे ही आ गई। ओके जी, समझ आई मेरी बात, वो क्वेश्चन पे देखना है कि वो लास्ट वाली वैल्यू यूज करनी है के नहीं करनी, बात समझ आई सबको, एनी डाउट दैट कम्स इन योर माइंड यू कैन आस्क मी बेटा। बेटा मैंने कल भी ये, प्लीज प्लीज कल भी ये बताया था, ये नेगेटिव और पॉजिटिव सिर्फ सिर्फ
मैं किसके लिए यूज करती हूँ फंक्शन को, सिलेक्ट करने के लिए। जब मैंने सिलेक्ट कर लिया ये नेगेटिव खत्म हो गया, वैल्यू तो वन ही पुट करनी बेटा। कहाँ पुट किया था वो, तो आंसर ही माइनस वन था, फंक्शन ही माइनस वन था, है ना। ओके बेटा बात समझ आई? हाँ जी, कोई डाउट गए? बेटा वो तो कॉन्टिन्यूटी के था ना, वहां दिया था कि मेरे पास क्या दिया हुआ है, दैट इज कि वो एफ ऑफ वन की इक्वल है। मैंने आपको कहा बेटा दिव्यांशी पहले मेरी बात, मैंने यहां पर कहा कि मुझे ये नहीं कहा कि लिमिट और एफ ऑफ वन इक्वल है, मैंने आपको कहा कि अगर मुझे ये क्वेश्चन आ जाए लिमिट एग्जिस्ट करती, लिमिट एग्जिस्ट का मतलब लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल होनी चाहिए, तो मैंने वही किया। वो किया तो वो फोर वाला आएगा क्यों, आएगा ही नहीं। क्वेश्चन को चेंज देखो, उसमें क्या वर्डिंग किया चेंज, पिछले क्वेश्चन में उन्होंने दिया था लिमिट और एफ ऑफ वन इक्वल है, वो एफ ऑफ वन फोर के इक्वल था, तो इसीलिए मैं फोर इक्वल लेके चल रही थी बेटा। बात समझ आई सबको? असीस क्लियर बेटा? काव्या पक्का बेटा? ठीक है, अब आपका होमवर्क है जो बचे हुए क्वेश्चन है, ट्राइट फोर क्वेश्चन है, ट्राइट अगर नहीं हो गए तो टेंशन नहीं, पर जितना टॉपिक कर लिया है उस पर बेस्ड टेस्ट होगा। ओके क्लियर?